हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल ममता फ्लेवर में। तो आज हम बनाने वाले हैं दही बल्ले। दही बल्ले खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, साथ ही साथ इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। दही बल्ले बनाने में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके दही बल्ले बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होंगे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो आप इसे घर पर ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई करिए जब भी आपका दिल करे खाने का। तो दही भल्ले बनाने के लिए हमने यहाँ पे साबुत उड़द ले ली है। इसको पूरी रात आपको पानी में भिगा के रखना है, कम से कम 8 से 10 घंटे, तो ये बहुत अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगी। तो देखिए, मैंने पहले से ही उड़द दाल को पानी में भिगा के रखा हुआ था, ये बहुत अच्छे से फूल चुकी है। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटी कटोरी उड़द दाल ली है, यानी कि 150 ग्राम उड़द दाल ली होगी मैंने यहाँ पे। अब इसे अच्छे से हम मिक्सी में पीस लेंगे, पानी नहीं डालना है पीसते वक्त। और फिर इसको हम मिक्सचर को बहुत अच्छे से हमें फेंटना है। इसमें हम 1 चम्मच जीरा भी डाल लेंगे, हमें और कुछ नहीं डालना है। जीरा डाल के इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसे बहुत अच्छा हमें फेंटना है, बहुत फ्लफी सा फेंटना है। कम से कम 5-7 मिनट लग जाएंगे आपको इसे फेंटने में, चाहे तो आप हाथ से भी फेंट सकते हैं इसे आराम से। और आप इसे पीसते वक्त किसी बड़ी मिक्सी में पीसे ताकि ये बहुत अच्छे से फ्लफी हो जाए, तो ये बड़ी मिक्सी में बहुत अच्छी पीसेगी। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप चेक कर लीजिए कि आपने परफेक्ट इसको फ्लफी बनाया है नहीं बनाया है। इसलिए हम 1 कप में पानी रखेंगे। देखिए जब ये पानी के ऊपर तैरेगा तो समझिए ये बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर तैयार हो चुका है हमारा दही बल्ले बनाने के लिए। तो बस ये पानी में नीचे नहीं डीप हो रहा है, देखिए पानी में नहीं डूब रहा है, तो इसका मतलब अब ये तैयार हो चुका है। अब हम एक बर्तन में गर्म पानी ले लेंगे, हल्का सा नॉर्मल पानी। उसमें हम 1/4 चम्मच काला नमक डाल लेंगे। हम पानी में अच्छे से मिला लेंगे और अभी इस पानी को एक साइड रख देंगे। अब गैस पे हमने तेल रख दिया है गरम होने के लिए। तेल जब अच्छा गरम हो जाए तो हम इसमें जल्दी जल्दी बल्ले डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को हमें करना है मीडियम तुरंत ही, हमें इसे तेज आंच पे नहीं तलना है, नहीं तो ये बहुत अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से ब्राउन हो जाएंगे। और बल्ले डालते ही आपको इसके ऊपर जल्दी जल्दी से गर्म तेल डालना है, इससे ये होगा कि बल्ले बहुत अच्छे फूलेंगे। तो आप इसे जब तक ये खुद ऊपर नहीं आ जाते तैरते हुए, तो आप इन्हें चम्मच से ना हिलाएं, नहीं तो ये टूट जाएंगे। जब ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे तो आप इन्हें थोड़ा सा उलट पलट कर लीजिए। तो देखिए हमारे बल्ले बिल्कुल गोल गोल बन गए हैं, फूल गए हैं। तो इसी तरीके से आप भी इन्हें फ्राई करें और मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करें। और जो हमने पानी रखा था साइड में, अब हम उसमें जल्दी गरम गरम बल्ले डाल देंगे। इससे ये होगा कि हमारे बल्ले बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और पानी में कम से कम हमें इसे 5-6 मिनट तक छोड़ देना है, उसके बाद हल्के हाथों से निचोड़ते हुए निकाल लेंगे। अब हम दूसरे बार के भी भल्ले इसमें डाल देते हैं और उनके ऊपर भी हमें जल्दी जल्दी गर्म तेल डालना है और इस तरीके से इन्हें पलटते हुए भी हम निकाल लेंगे। और साइड में जो थोड़ा हमारे भल्ले इधर को हो गए हैं, तो साइड में थोड़े से भल्ले और डाल लेते हैं और उनके ऊपर भी जल्दी जल्दी गर्म तेल डाल लेते हैं, जिससे कि वो चपटे नहीं बने, फूल जाए अच्छे से। तो देखिए हमारे सारे बल्ले बन के तैयार हो चुके हैं, इन्हें भी हम जल्दी जल्दी पानी में डाल लेंगे। अब हमने यहाँ पे 1 कटोरी दही ली है, दही को आप बहुत अच्छे से फेंट ले, बिल्कुल क्रीमी सी बना ले। इसमें हम 1/4 चम्मच डाल देंगे काला नमक और 1/2 चम्मच हम यहाँ पे डाल लेंगे पाउडर शुगर। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप इसे मिक्सी में पीस ले और दही में अच्छे से मिला लेंगे। इससे हमारी दही का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत टेस्टी हो जाएगा। अब भल्ले को हम पानी से निकाल लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा हाथों से निचोड़ते हुए, बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है नहीं तो भल्ले फट जाएंगे। अब इनके ऊपर हम दही लगा लेते हैं, भल्ले हम अपने तैयार कर लेंगे। इनके ऊपर हम डाल लेंगे दही दही अच्छे से डाल लिए। अब हम इसमें डाल लेंगे ऊपर से चाट मसाला। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा, मैंने जीरे को तवे में भून के पीस लिया था। अब हम डाल देंगे यहाँ पे हल्का सा काला नमक और हम थोड़ी सी यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे और यहाँ पे हम डाल लेंगे खट्टी मीठी लाल चटनी। ये मैंने घर पे ही बनाई हुई है, मैं आपको लिंक दे दूंगी। और अब हम डाल लेंगे ऊपर से हरी चटनी। तो देखिए हमारे भल्ले बनके कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं, मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ।
तो देखिए लग रहे हैं ना बहुत ही टेस्टी और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी। तो आप भी जल्दी जल्दी बनाएं घर पर दही भल्ले। दही भल्ले बनाते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका बैटर अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आप उसमें 1-2 टेबल स्पून पानी डाल सकती हैं, नहीं तो हमारे जो बड़े हैं बहुत सख्त बनेंगे। थोड़ा सॉफ्ट बैटर होना चाहिए, और मिक्सी में अगर नहीं पीस रहा है तो उसमें भी आप 1-2 चम्मच पानी डाल के पीस ले दाल को अच्छे से। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली ही एक ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।